क्या यार, हैकर हो क्या यार? आप क्या गंदा मार रहे हो? हेलो गेमर्स, मैं हूं आयरन बॉय एंड वेलकम टू दिस चैनल गाइस। अगर आप सच में अपना एम इम्प्रूव करना चाहते हो ना गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट बताया ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू की चीज मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, क्योंकि मुझे भी पता है आपका भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीखने के हिसाब से इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है। बिना फालतू की बकबक करे सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे आप अपने एम में गॉड लेवल एक्यूरेंसी ला सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप गलतियां करते हो एंड उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो भी बताऊंगा विद ड्रिल्स। तो पॉइंट नंबर वन होने वाला है, जब भी आप अपसेट टीडीएम खेलोगे स्लाइड ऑफ करके खेलना। देखो गाइस, मैं स्लाइड ऑफ करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बस टीडीएम तक लिमिटेड है, क्लासिक में इसका कोई यूज नहीं है। आपने देखा होगा कि बंदे बोलते कि टीडीएम में तो मेरे 15-15 किलो होते हैं, लेकिन क्लासिक में नहीं कर पाता हूँ। इसका रीजन यही है, स्लाइड ऑफ करके खेला करो। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेंसी जो है एम करने की, आपकी एक्यूरेंसी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूँ। तुम जब भी स्लाइड करते हो ना, तो ओपोनेंट के मुंह पे जाते हो तुम, उससे क्या होगा, उसका एम डॉच होगा। उससे कोई फायदा नहीं, तुम किल तो कर पाओगे लेकिन आपके लिए कोई यूज नहीं है उसका। लेकिन जब आप ऑफ रखोगे ना स्लाइड को, तो आपको सिर्फ बंदे एम से गिराने हैं, स्लाइड से बिल्कुल नहीं। बस आपको एम पे फोकस करके बंदों को गिराना है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ ना ड्रिल्स आपको, बस करते रहिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर टू की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि आपको एम असिस्ट बिल्कुल ऑफ रखना है। आपने देखा होगा हर यूट्यूबर यही चीज बताता है कि आपको एम असिस्ट ऑफ रखना है। क्यों रखना है मैं बताता हूँ। एम असिस्ट लगता बहुत प्यारा है, लेकिन है बहुत कुत्ती चीज। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका, मान लो अगर आपका एम अच्छा नहीं है और बंदे के साइड में आप गोली मारते हो, जो कि बंदा खड़ा है लेकिन आप साइड में गोली मारते हो, तो एम असिस्ट का काम क्या है कि उस गोली को बंदे तक ले जाना। अगर आप साइड में थोड़ी सी साइड में भी मारते हो ना, तो वो एम असिस्ट उस गोली को बंदे पे ले जाता है। आपको तो लगता है कि हाँ मैंने बंदा गिराया, मेरे भाई ना ना, आपने नहीं गिराया, एम असिस्ट ने गिराया उसे। जब आप इसे ऑफ करोगे ना, तो होगा यूं कि जैसे आप बंदे के साइड पे गोली मारने से बंदे पे चिपक जाती थी ना, अब नहीं चिपकेगी। अब आपको पूरा फोकस करना है बंदे पे एम करने पे, क्योंकि अगर नहीं करोगे वो सामने वाला मार के आपको चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो हाँ मेरे भाई, मैं मानता हूँ आप एम असिस्ट ऑफ करने पे बात कुत्तों की मौत मरने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इससे आप क्या करोगे, ट्रेनिंग करोगे कि भाई मेरा एम बहुत गंदा है। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी के अंदर हो, आपका एम कैसा है। आपको लगता था ना कि टीडी में मैं 10-15 किल कर सकता हूँ, एम असिस्ट ऑफ करने के बाद देखना आप उतने भी किल्स आपके नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप जो गेम प्ले देख पा रहे हो ना, तो इसमें मेरा एम असिस्ट ऑफ है, फिर भी अच्छे खासे किल हो पा रहे हैं मेरे। तो आपको इस लेवल की एक्यूरेंसी को अचीव करना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री की तरफ, जो कि है क्रॉसर प्लेसमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। मैंने जितने भी बंदे देखे ना, वो अपने क्रॉसर प्लेसमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखो मेरे भाई, क्रॉसर प्लेसमेंट ही तो जरूरी चीज है। बंदा किस साइड से आ रहा है, आपको क्रॉसर कहाँ पे रखना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप टीडीएम लगाओगे ना, क्रॉसर प्लेसमेंट पे ध्यान देना अपनी, कि आप कहाँ पे प्लेस करते हो क्रॉसर को। क्रॉसर को हेड लेवल पे प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे होगा यू कि अगर आपका ओपोनेंट कवर से बाहर आता है, तो बस आपको शिफ्ट करना है अपने क्रॉसर को ओपोनेंट पे। ऑलरेडी क्रॉसर आपका हेड लेवल पे है, तो सीधा हेड कनेक्ट होंगे बंदे पे। यही तो ट्रिक है मेरे भाई, यही तो बंदे भूल जाते कि क्रॉसर प्लेसमेंट जो है आपको हेड पे रखनी है। अब इसकी ड्रिल्स बताता हूँ मैं आपको, चलो ट्रेनिंग मोड में चलते हैं। आपको ट्रेनिंग मोड में इस जगह पे आना है, ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है ना, इसके सेंटर में आपको क्रॉसर को करना है। इससे ये सेंटर जो है ना, वही अपोनेंट का हेड लेवल है। बीजीएमआई वालों ने बनाया ट्रेनिंग ग्राउंड इसीलिए कि ताकि आपको कुछ सिखा सके। तो बोर्ड का जो सेंटर है, वही हेड लेवल के हिसाब से रखा है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपने जो क्रॉसर प्लेस करा है ना, वो सेंटर पे रहना चाहिए, और आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट देती रहनी है। लेफ्ट राइट मूवमेंट देते हुए एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने क्रॉसर प्लेस करा ना, उसको बिल्कुल नहीं हिलाना, सेंटर में ही रखना है, सेंटर में स्टेबल कराते रहना है उसको। हाँ मुझे पता है, एक दिन की बात नहीं है ये, आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। इस ड्रिल को आपको 10 मिनट तक करना है डेली। 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। जब आप टीडीएम खेलते हो ना, उससे पहले 10 मिनट करना, और जब आप 10 मिनट हो जाते हैं ना, उसके बाद सीधा टीडीएम में भड़ास निकालना इसकी। जब टीडीएम खेलोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको क्रॉसर प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं सोचना कि मैंने ट्रेनिंग मोड में प्रैक्टिस करी है और मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता।
आपने जो थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना तो जरूरी है ना। ट्रेनिंग मोड को समझ लीजिए थ्योरेटिकल है, और जो टीडीएम है वो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में अप्लाई करना जरूरी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है एम ट्रेसिंग। यही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, तो इसको ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको हेड पे क्रॉसर रखना तो बता दिया, लेकिन जो सामने वाला ओपोनेंट होगा ना वो जिगल करते हुए आएगा, तो उस जिगल को आपको ट्रेस करना है क्रॉसर के साथ। सबसे ज्यादा जो मेहनत लगने वाली है ना वो इस चीज पे लगने वाली है, एम ट्रेसिंग। एम ट्रेसिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको कम ही लगेगी। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं आप? देखो भाई, बंदे के जिगल को ट्रेस करने में जो एनर्जी लगती है ना वो किसी चीज में नहीं लगती। जिगल ट्रेस करना आम बात नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है और ड्रिल्स को लगातार करते रहना है। डेली ड्रिल्स को करोगे तभी तो इसको कर पाओगे परफेक्टली आप। तो चलिए सीधा ड्रिल्स पे चलते हैं, मैं वही बताता हूँ आपको सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग मोड की कुछ सेटिंग्स बताऊंगा आपको, जो आपको बाय डिफॉल्ट सेट करनी है। इसको ओपन करने के बाद आपको डिफिकल्टी लेवल 3 रखनी है, क्योंकि हमें हार्ड कोर ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद टारगेट सिलेक्शन में आपको 20 मीटर वाला टारगेट रखना है। टारगेट की जो हेल्थ होगी उसको फुल कर देना, हेल्थ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ जितनी ज्यादा रहेगी उतनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को सेट करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मूवमेंट स्पीड उतनी ही सेट करनी है जितना आपका एनिमी का जिगल होता है। जिगल की जितनी स्पीड होती है उतना ही सेट करना है। मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि जो बोलते हैं कि मूवमेंट स्पीड को फुल करना है, ना भाई ना, मैंने करके देखा, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको क्या होता है इससे। जब आप मूवमेंट स्पीड को फुल रख के प्रैक्टिस करोगे ना एंड एक्चुअल कॉम्बैट में जाओगे ना आप, तो एनिमी के जिगल के आगे आपकी एम ड्रेसिंग चलेगी, मतलब आपका एनिमी पीछे रहेगा और आपका एम आगे होगा। ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ, इसका एक ही रीजन है जो कि आपने मूवमेंट स्पीड को फुल रखा है, इतनी ज्यादा मूवमेंट एनिमी नहीं दे पाता। बीजीएमआई वालों ने एनिमी को इतनी ज्यादा मूवमेंट दी ही नहीं है, तो क्यों करनी भाई इतनी ज्यादा मूवमेंट की प्रैक्टिस, नहीं करनी इस वाले ट्रेसिंग में। अब बात आती है कि मूवमेंट स्पीड को रखे कितना, फिर आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका सामने टारगेट है ना उसके पास जाके खड़े हो जाना है और उसके साथ साथ जिगल देना है आपको। जिगल देते वक्त आपको पता चल जाएगा कि टारगेट आपके साथ आ रहा है, आपके पीछे रह रहा है क्या, आपके आगे जा रहा है। अगर टारगेट की स्पीड और आपकी स्पीड मैच हो जाती है ना तो वही एक्यूरेट लेवल है मूवमेंट स्पीड की, और उसी लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसको करने के बाद आप मुझे बताना कि हाँ भाई ये तूने सही कहा था, ऐसा बाद में बोलोगे आप मुझे। देखो भाई, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है, मैं किसी मतलब बुक से या किसी वेबसाइट से रट के नहीं बता रहा हूँ आपको। जो इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है ना उसको इंसान बहुत ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको। एक बार मूवमेंट स्पीड सेट होने के बाद सबको लेवल 3 सेट करना है, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, और जो डैमेजिंग टारगेट होगा ना, टारगेट का डैमेज आप हेड पे रखना, बस हेड सेलेक्ट करके रखना। इससे क्या होगा, जो टारगेट है ना बस वही गोली कंसिडर करेगा जो हेड पे लगेगी, इससे आपको बस हेड ट्रेसिंग में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। इन सबको सेट करने के बाद आपको ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना है। अब प्रैक्टिस करें कैसे, आपके सामने तो मूविंग टारगेट है, कहाँ रह के प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्लोज रेंज की प्रैक्टिस करनी है। क्लोज रेंज बेस्ट बनना चाहते हो ना आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टारगेट के सामने आ जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और जिगल देते देते आपको एनिमी के मूवमेंट को ट्रेस करना है, मतलब टारगेट के मूवमेंट को ट्रेस करना है। इस मूवमेंट को आपको ट्रेस करते वक्त ध्यान में एक चीज रखनी है कि आपका जो है एम होगा ना वो हेड पे होना चाहिए, क्रॉसर प्लेसमेंट हेड पे होनी बहुत जरूरी है। फिर थोड़ा पीछे आ जाना और सेम मूवमेंट देखते देते, कभी बुलेट फायर करते हुए करना, कभी विदाउट फायर करना, दोनों से प्रैक्टिस करना आप। इसमें जिगल का ज्यादा रोल नहीं है, आपको ध्यान देना है बस एम ट्रेसिंग पे। ये वाली प्रैक्टिस होने के बाद आपको ट्रेनिंग वाले पाथ पे आना है, यहाँ से ही आपका टारगेट आपकी बुलेट को कंसिडर करेगा। मुझे पता है इतनी दूर से आपके नए लगेगी स्टार्टिंग में, तो आपको पहले क्या करना है, प्रैक्टिस जो करनी है ना वो खड़े रह के करनी है, एक जगह खड़े रह के एम को ट्रेस करना है, आपकी हेड पे लगनी चाहिए। अगर आपको लगे कि हाँ मेरा परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, हेड पे लग रही है मेरी, उसके बाद आपको धीरे धीरे जिगल करते हुए इसको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे भाई आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा मैं बोर हो रहा हूँ यार, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ऑडियो में जो मास्टर वाला है ना उसको अनटिक करना है, मास्टर वाला ऑडियो अनटिक करना है। इससे फिर क्या होगा, आपको बिल्कुल साउंड सुनाई नहीं देगी गन फायर की। उसके बाद आपको सीधा म्यूजिक में जाना और अपना पसंदीदा म्यूजिक चला के
ट्रेनिंग करनी है। इससे आपको जोश भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी ट्रेनिंग करने की। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है, अभी भी करता हूँ मैं। अब चलते पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है प्रैक्टिस ऑन बॉट्स। यहाँ पे मैं आपकी फ्रेंड्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बॉट की बात कर रहा हूँ जो BGMI वालों ने आपके लिए रखे हैं स्पेशली। तो इस जगह पे आने के बाद आपको खुद से चीजें कस्टमाइज करके बॉट्स पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा हेड लेने की कोशिश करना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कितने दिन तक इन ट्रेनिंग ड्रिल्स को परफॉर्म करते रहना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा मिनिमम 7 डेज आपको इसको परफॉर्म करना है। हर ड्रिल 10-10 मिनट तक परफॉर्म करनी है और मैक्सिमम 21 दिनों तक। वो बोलते हैं ना 21 दिन में इंसान की आदत छूट सकती है, बदल सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ 21 दिनों तक करना ट्रेनिंग को, हो सके तो। और देखना बाद में भाई क्या एक्यूरेंसी आएगी, तुम बीस्ट बन जाओगे क्लोज रेंज के भाई। क्या ही मतलब, ऐसे तगड़े इंसान बन जाओगे तुम प्रैक्टिस में, वाओ। सॉरी, इन वाली बातों को थोड़ा साइड में रखे और मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये पॉइंट है कि क्या डिवाइस मैटर करता है। हाँ मेरे भाई, डिवाइस बिल्कुल मैटर करता है। डिवाइस में जो FPS आपके सपोर्ट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपका डिवाइस ज़्यादा बेटर FPS वाला है, मेरा अभी है 90 FPS वाला, तो जो 60 FPS वाला बंदा होगा ना, उसको मेरे उसके हिसाब से मेरे को उसको डैमेज, वो मेरे को डैमेज तो देगा लेकिन वो बुलेट रजिस्टर नहीं होगी उसके हिसाब से। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगा, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। बस याद रखना डिवाइस मैटर करता है। तो आपको चिंता बड़ी होगी कि ऐसे डिवाइस वाले बंदों को कैसे हराना है। बस भाई एम ट्रेसिंग परफेक्ट करो। मुझे पता है सामने वाला बंदा इतना तगड़ा नहीं होगा कि उसकी 100% एक्यूरेसी होगी। आपको एम ट्रेसिंग से हराना है, एम एक्यूरेसी से हराना है उसको। डिवाइस FPS मैटर नहीं करता, इसीलिए लोग कहते हैं, क्योंकि हमको करनी है प्रैक्टिस ज़्यादा और उनको हरा के दिखाना है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा पार्ट पसंद आया या कौन सा पार्ट आपको ऐड करना चाहिए था मुझे, जो मैंने किया नहीं। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। चलो बाय।